देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नोट डाउन किया इस क्लास में, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार इस क्लास में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, सो दैट कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक आ जाए। ठीक, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोग 1/x को कंसिडर कर रहे हैं, अ टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन, अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन आप कह सकते हो। इस फंक्शन को ये दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है 1/x पर और x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली बात है, अगर ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x तो ये जीरो पे तो कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। सो ऑब्वियसली बात है कि ये फंक्शन तभी वर्क कर रहा है जब x जीरो नहीं है। अगर x जीरो लेंगे तो आप सब जानते हो कि ये फॉलो नहीं कर सकता फंक्शन, एंड देयरफॉर हम fx इज इक्वल टू 1/x पर चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। जीरो छोड़ के, जीरो तो कंसिडर ही नहीं करना है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहां को ये फंक्शन ऐसे नहीं डिफाइन कर रहा है कि fx इज इक्वल टू ये जब जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो और जब जीरो हो तो क्या है, ऐसे नहीं डिफाइन किया है कि हम जीरो पे ब्रेक हो रहा है और फंक्शन चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा है। हमको सिर्फ ये कहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्वेश्चन विच इज प्रोवाइडेड टू यू। फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x है और x नॉट इक्वल टू जीरो उसकी कंडीशन है कि वो फंक्शन उस पर वर्क करेगा, अदरवाइज तो वो वर्क ही नहीं करेगा। सो इस तरह से नहीं एक्सप्रेस है कि आपको जीरो पे चेक करना है, जीरो छोड़ के आपको सब वैल्यू पर चेक करना है। तो फिर पूरा इंटरवल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो। ध्यान दीजिएगा, टोटल रियल नंबर्स माइनस जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं उन सब पे हमको चेक करना है। तो हम वैसे ही रेंडमली ले लेंगे कि सी बी द पॉइंट और सी पर हम निकालेंगे, तो एफ सी निकालेंगे पहले, वो 1/c आ जाएगा। ये वर्क करेगा क्योंकि ये श्योर हो गया कि c इज नॉट जीरो, क्योंकि ये इस सेट में से लिए हैं r माइनस जीरो में से, उसमें जीरो तो है ही नहीं, तो c जो होगा वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सो f c जब लिया तो ये 1/c आया, ये फर्स्ट कंडीशन इसकी आ गई। फिर सेकंड कंडीशन हमको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू c ऑफ fx, हम वहां पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x टेंड्स टू c 1/x में, तो ये आ जाएगा 1/c। सो आप देखोगे कि एफ सी जो हो गया और लिमिट जो हो गया x tends to c of fx दोनों इक्वल हो गया 1/c, एंड therefore द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। ध्यान दीजिएगा, इस तरह लिखने का तरीका होता है जब आपको ऐसी सब कंडीशंस होती हैं जो फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं होते, जहां पे कोई ना कोई कंडीशंस बन जाती हैं, तो आप बेटर है कि आप जब लिखिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, जहां पे डोमेन मतलब जिस वैल्यू पर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, उन्हीं वैल्यूज पर, जितनी वैल्यूज पर वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उन सारी वैल्यू में से आप कोई भी वैल्यू उठा लो, सब पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आपको याद है इसका ग्राफ 1/x का, आपने 11th में इस ग्राफ को पढ़ा है। 11th में जब आप ग्राफ पढ़ते थे तो ये ग्राफ ऐसे आता था, ये ग्राफ बनता था इसका, अगर आप टेबल बनाओगे तो बन जाएगा। आप देख लो ये ग्राफ बीच में से ब्रेक है, जीरो पे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस ग्राफ को इतना आप कंटिन्यूस बना सकते हो, इतने पर आप चेक कर सकते हो लगातार, बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो वैल्यूज जो x की जीरो से छोटी है उसके लिए बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस। x की वो वैल्यू जो जीरो से बड़ी है उसके लिए भी ये ड्रॉ हो जाएगा, बट जीरो के लिए इस फंक्शन में कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इन्फिनिटी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एंड दैट इज वाई जीरो पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है और जीरो पे वो कंटिन्यूअस हो भी नहीं सकता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, अब देखिएगा इसमें, इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है किसकी, साइन फंक्शन की। हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पर, साइन फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू साइन x, ये इसकी कंटिन्यूटी हमको प्रूफ करनी है। और हमको यहां पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है जिसके ऊपर हमको चेक करना है, तो अगेन हमारे लिए क्या पॉइंट हो गया, होल रियल नंबर में से कोई भी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ याद है तो भी आप देख सकते हो कि ये फंक्शन एट एवरी पॉइंट कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी हमें पेन उठा के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं हो, चाहे जीरो के इधर लें, जीरो लें, जीरो के ऊपर लें, हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक। एंड देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो हमको पता है, एवरी रियल नंबर, ठीक। नाउ अब हम इसको प्रूफ करने के लिए फिर अगेन ऐसे ही सपोज कर लेंगे, लेट सी बी एनी नंबर, लेट सी बी एनी पॉइंट
इन इट्स डोमेन। अब सी पर चेक करेंगे, पहली कंडीशन एफ सी, एफ सी आ जाएगा साइन सी, ठीक। सेकेंड कंडीशन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स, अगर इसमें भी आप चेक करोगे तो ये डायरेक्टली वैसे ही आ जाएगा, बट हम इसमें एल एच एल आर एच एल भी करके आपको दिखा दें। एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ सी माइनस एच, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू वॉट, लिमिट एच टेंड्स टू एफ सी माइनस एच, एक्स की जगह सी माइनस एच है तो यह आ गया साइन ऑफ सी माइनस एच। फर्दर आप इसको ओपन कर सकते हो फॉर्मूले से, साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले से आप इसको ओपन करोगे तो यह आ जाएगा साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। लिमिट क्या होता है अगर आपको याद हो तो प्लस माइनस में लिमिट अलग अलग हो जाती है, सो आप लिमिट अलग अलग करोगे दोनों केस में, यह आ जाएगा साइन सी कॉस एच माइनस लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो कॉस सी साइन एच, जहां एच हो वहां जीरो रख देंगे आप, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। आप साइन सी माइनस में देख रहे थे तो एक्स की जगह सी माइनस एच हो गया, चाहे सी माइनस एच हो चाहे सी प्लस एच आएगा, दोनों आपका इसी फंक्शन में लाइक करेगा, कहीं और नहीं है, क्योंकि कोई और फंक्शन में अलग अलग डिफिनेशन नहीं दी है, फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है जिसके ऊपर सब वर्क करेगा। तो सी माइनस एच आपने यहां रख दिया, अब यहां पे साइन एक्स माइनस वाई का आपका फॉर्मूला लगा, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगने के बाद बीच में क्योंकि माइनस आ रहा है तो दो अलग अलग पार्ट्स में लिमिट अलग अलग हो गई। अब इस वाले में भी एच को जीरो रख देंगे, इस वाले में भी एच को जीरो रखेंगे, ध्यान दीजिएगा साइन सी एज इट इज बचा है, एच को जीरो किया कॉस जीरो आया, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, ये बचा साइन सी माइनस, यहां कॉस सी एज इट इज बच जाएगा, एच की जगह जीरो रखेंगे तो आपको पता होगा साइन जीरो जीरो होता है, तो कॉस सी इंटू जीरो, तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये आपके पास सिर्फ साइन सी बचा। लाइकवाइज आप इसी तरह आरएचएल भी निकालिएगा, हमने जानबूझ के निकाल के आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आए, उसमें भी जब आप आरएचएल निकालेंगे तो वो भी साइन सी आ जाएगा, तो एलएचएल भी साइन सी आ गया, आरएचएल भी साइन सी आ गया, दैट मींस लिमिट एट एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू साइन सी आ गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है वो भी साइन सी है, सो फंक्शन क्या हो गया वो कंटिन्यूअस हो गया। हमको क्या करना था, डिस्कस करना था, मींस इन ऑल रियल नंबर्स द फंक्शन साइन एक्स fx sin x, fx is equal to sin x is continuous in its all domain. Similarly, आप किसी भी trigonometric function के लिए कर सकते हो, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, ध्यान दीजिएगा जहां reciprocal आएगा, जहां पे rational functions होंगे, जहां आपका tan x जब आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, tan x का मतलब क्या हो जाएगा, ये sin x upon cos x आएगा, तो ये रेशनल फंक्शन हो गया। यहां जब tan x की वैल्यू आप बात करोगे तो आप ध्यान देना, इसमें एक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि वेयर cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ना tan x डिफाइंड होगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो कैसे डिफाइंड होगा। तो होल ओवर tan x अपने होल डोमेन में डिफाइंड होगा एक्सेप्ट दैट पॉइंट वेयर cos x इज जीरो, cos x is equal to 0 जहां होगा वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इस वैल्यू को हटा देंगे जहां पे cos x 0 होता होगा। आपको पता है cos x कब कब 0 होता है, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos x कब कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, मींस x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, थ्री पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, फाइव पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, सेवन पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जब x की वैल्यू ऐसी आएगी उन हर केसेस में cos जो है वो जीरो हो जाएगा, और अगर cos जीरो हो जाएगा तो tan x डिफाइंड ही नहीं होगा, सो tan x हर जगह कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट उन जगहों पर जहां पे cos x जीरो ना हो, उन सब जगहों पर tan x डिफाइंड होगा। तो जब भी आप ऐसे रेशनल नंबर वाले करेंगे, tan x हो गया, cot x हो गया, cosec x हो गया, sec x हो गया, तो हर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट दैट पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो,
क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो डिफाइंड ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती है। तो आप इसी मेथड से चलोगे हर फंक्शन को इस तरह के कंटिन्यूअस करने के लिए। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक दो क्लास पहले हम लोग ने कंपोजिट फंक्शन बताया था और एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन एफ ओ जी इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ ओ जी का मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ जो हमने फंक्शन लिया है वो फंक्शन भी कुछ इसी तरह है कि जब हम इसको ब्रेक करें तो ये दो अलग अलग फंक्शंस में बन के आएगा, और वो दोनों फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं तो हम ये लिख देंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है वो उनका कंपोजिट फंक्शन है एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। एक हमने लिखा जी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है तो हम बोल देते हैं हमारा एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू मॉड के अंदर, मॉडुलस फंक्शन है, मॉड के अंदर वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये पूरे का अगेन पूरा मॉड है, ठीक है ना, मॉड के अंदर ही ये छोटा सा मॉड एक्स भी है, तो ये पूरा फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक। सो नाउ जी एक्स हमने लिया वो अंदर का बड़े वाले मॉड के अंदर जो पार्ट है वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये हमने जी एक्स ले लिया। और एक फंक्शन हम और ले रहे हैं एच एक्स, एच एक्स हम ले रहे हैं मॉड ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे कंपोजिट, फिर हम आगे की बात दिखाएंगे कि कौन कितना कंटिन्यूअस है तो कैसे कौन कंटिन्यूअस होगा। सो पहले हम कंपोजिट निकालेंगे एच ऑफ जी एक्स, क्या निकालेंगे एच ओ जी ऑफ एक्स, मतलब एच ऑफ जी एक्स। ये रीड करने का तरीका भी हमने बताया था, पहला फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो एच ऑफ जी एक्स है, कैसे हम लिखेंगे इसको फिर देखिएगा, एच हम बाहर लिख दिए, ऑफ जी एक्स इसको हम बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं। इसको सॉल्व करने का हमने दो तरीका आपको बताया था, आपको जो तरीका सिंपल पड़ता हो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम करके दिखा रहे हैं, आप मत कहिएगा सर ये तरीका नहीं वो तरीका, हम एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो आप उससे सॉल्व कीजिएगा। नाउ एच ऑफ जी एक्स, ध्यान दीजिएगा एच अपनी जगह पे हम रख देते हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं एच को, जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू ये है, जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये पूरा जी एक्स की वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया एच एक्स, मतलब ये पूरी वैल्यू जो हो गई वो एक्स की वैल्यू हो गई, एच एक्स की वैल्यू ये आती है, ये एच एक्स का फंक्शन है, तो एक्स में जो भी है वो एक्स की जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड के अंदर वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो पे पहुंचिए जहां पे हमने कंटिन्यूटी में, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कंपोजिट फंक्शन आपको बताया था, उस वीडियो में आपको कंपोजिट फंक्शन हमने एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाया है, ठीक। या फिर आप फंक्शंस वाले पार्ट में जाइए जहां पे कंपोजिट फंक्शन आपको डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि जब तक ये कंपोजिटनेस आपको समझ में नहीं आएगी आप इसकी कंटिन्यूटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जिसको समझ में आ गया, और नहीं तो फिर लोग पीछे जाएं पहले कंपोजिट फंक्शन समझे। तो एच ओ जी ऑफ एक्स जो है वो ये आया, जो हमारा क्वेश्चन एफ एक्स है, मीन्स जो एफ एक्स है वो क्या बन के आया, एफ एक्स इज नथिंग एल्स बट एच ऑफ जी एक्स, ये हमारा आया। तो हमें एफ एक्स को कंटिन्यूअस करना है, मतलब हमें इस पूरे को कंटिन्यूअस करना है, मतलब क्या हो गया इस पूरे को कंटिन्यूअस करने का, कि अगर हम शो कर दें कि हमारा एच एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है तो हमें यह अलग से शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन मोर थिंग, जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हमें इंडिविजुअल उन फंक्शन को भी पूरा पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं रहती अगर वो पहले से प्रूव्ड है। जैसे जी एक्स, वॉट इज जी एक्स, जी एक्स इज अ फंक्शन, यहां के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख रहे हैं
gx is a function that is which is sum of polynomial function, हम ब्रैकेट में आपको बता रहे हैं कौन सा पॉलिनोमियल है यहाँ पे, आप बताइए इस पूरे में पॉलिनोमियल वाला पार्ट ये है आपका, ये सम ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन एंड और किसका सम है मॉडुलस फंक्शन का, इसका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जीएक्स जो है वो इन दो वैल्यूज के सम के इक्वल है। हमने लास्ट के जो अभी एग्जांपल डिस्कस किए कुछ उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन था और हर फंक्शन में हम ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है दैट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द रियल नंबर से। फर्दर मॉडुलस फंक्शन, हमने एक क्वेश्चन दिया था मॉडुलस फंक्शन का fx is equal to mod x, हमने ग्राफ से भी शो किया था, हमने फंक्शन प्रूफ करके भी शो किया है, उसमें भी हमने डिस्कस किया कि मॉडुलस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द रियल नंबर। सो दैट मींस दिस सम जिन दोनों का ये सम है, हम ये लिखेंगे कैसे, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन is continuous everywhere, in a real number set, since polynomial function and modulus function is continuous everywhere in a real number set, therefore their sum is also कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, सो देयर सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये किस लॉजिक से हुआ, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एफ एंड जी आर टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस एट सर्टेन पॉइंट, देन द सम ऑफ देयर फंक्शंस, द सम ऑफ द फंक्शंस आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट सेम पॉइंट, सिंस एफ एक्स, सिंस दिस पॉलिनोमियल फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन बोथ are continuous everywhere in its real number, so the sum of these two functions are also continuous at every point in the real number, and therefore this sum is also continuous, so gx is continuous, ye nikal ke aa gaya aapka. Now hx is again a modulus function, so hx is also a modulus function which is continuous everywhere in the real number, so gx is continuous, hx is continuous, therefore the composite ofness, compositeness of their function is also continuous. So exactly आप देखो ये question क्यों important है, एक तो इसमें composite function लगा, दूसरा इसमें हमने exactly proving की नहीं है, exactly ना हमने limit निकाला इसमें, ना हमने value of function निकाला, ना हमने उसको check किया कि क्या value of function limit of function के equal है, instead हमने क्या किया, हमने थ्योरेटिकली इसको लिखा, क्योंकि वैसे बहुत लंबा पड़ जाता और ये अंडरस्टैंडिंग भी है और ये सही भी है, सो हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरी पूरी स्टेप, आप हर एक के लिए लिमिट निकालो, हर एक के लिए वैल्यू निकालो, हर एक में सी सपोज करो, इट्स टू लॉन्ग टू सॉल्व। सो सच टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली लिख करके ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं एंड इट इज प्रूफ कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, सो इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक क्लास में और उसमें दिखाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक लॉजिक तो हमने आपको दे ही दिया इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशंस भी दिखाएंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।